प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानी ने कहा कि महामारी के समय राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार, विपक्ष व जनता को सभी को एकत्रित होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आगे आना होगा। आम जनता को जहां अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वहीं भाजपा व कांग्रेस को राजनीति से ऊपर उठकर आम जन व पीड़ित परिवारों की सहायता को आगे आना होगा। कोरोना की फर्स्ट वेव प्रदेश में हो चुकी थी, ऐसे में दूसरी वेव के लिए वर्तमान सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की भी बात मानी होती तो आज प्रदेश में ये स्थिति नहीं होती। पठानिया ने आरोप लगाया कि कोरोना से निपटने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस कमेटी ने गांधी हेल्पलाइन शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश में सभी ब्लॉक व जिला स्तरीय कांग्रेस कमेटियां नेता कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो भी लोग आएंगे उन्हें सरकार ने आइसोलेट होने की बात कही है। ऐसे में जिन लोगों के पास अलग रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए प्रदेश की ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां गांधी हेल्पलाइन के जरिए करने जा रही हैं। जहां तक कोविड-19 जैसी महामारी आई है तो वर्तमान प्रदेश सरकार जो है वो मैं कहता हूँ, चाहे वो देश का मामला हो, प्रदेश का मामला हो, बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे हमारे प्रदेशाध्यक्ष हों, या हमारे नेता विपक्ष अग्निहोत्री जी हों, बार बार वो विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी कहते रहे कि दूसरा स्ट्रेन जो है वो आने वाला है। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस चीज़ को, मैं कहता हूँ, अगर सीरियसली लिया होता तो आज जो हिमाचल प्रदेश की पोजीशन है वो आज हिमाचल प्रदेश की पोजीशन ऐसे नहीं बनती। मैं कहता हूँ ये पहली बार हुआ है, ये तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, जो कि कोविड की लड़ाई से निकलकर आज पिछले काल ही नेगेटिव हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश के लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। उनकी जो संवेदनाएँ थी, उनके जो आशीर्वाद था देवी देवताओं का, ये तो शुक्र करो उस समय का एक ऑक्सीजन प्लांट IGMC शिमला में उन्होंने 17 में इस्टेब्लिश कर दिया था। जब ये सब चीज़ें सरकार को पता थी और कोरोना की पहली वेव जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में और देश में घूम चुकी थी, तो व्यवस्था करनी चाहिए थी वर्तमान सरकार को, चाहे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे DDU हो, चाहे नेहर चौक हो, चाहे टांडा हो, चाहे वो धर्मशाला का जोनल हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे हमीरपुर। मैं कहता हूँ पूरी तरह वर्तमान सरकार जो है कोविड-19 उन्होंने एक तो सीरियसली लिया, और मैं कहता हूँ बहुत से लोगों की आज जो डेथ जो हो रही है, और अगर सरकार के इंतजाम ठीक होते और इन्होंने अगर मैं कहता हूँ बतौर विपक्ष और मेडिकल एक्सपर्टों की भी अगर बात मानी होती तो आज हिमाचल प्रदेश की पोजीशन ये नहीं होती। मैं आपको बताऊँ, ऑक्सीजन की 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हम ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश है हम। आज न केवल हिमाचल प्रदेश में भी आप जाओ, जो खासकर धर्मशाला में जो मरीज एडमिट है वो कह रहे हैं कि जो गैस सिलेंडर, सबसे पुराना हॉस्पिटल है, जो बेड पे बेड के द्वारा जो ऑपरेटर्स फिट किए जाता है ना, उसके थ्रू जो गैस आती है उसका प्रेशर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो व्यवस्था धर्मशाला में बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने देखा होगा सिलेंडर जो है वहाँ लगाया जाए। तो कुल मिलाकर अगर जहाँ तक मैं कहता हूँ प्रदेश सरकार बिल्कुल इस कोविड-19 को लेकर बिल्कुल फेल हुई है, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि गांधी हेल्पलाइन जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, पूरी हमारी 70 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां और वहां के हमारे जो स्थानीय नेता वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और हमने वो हेल्पलाइन भी जारी की है, और जैसे कि शर्मा जी ने भी देखा होगा धर्मशाला में कोविड केयर सेंटर की ऑफर की है। तो जहां वर्तमान सरकार ने एक और फैसला लिया है कि बाहर को लोगों को अलाउ किया भी आप गाँव में आ जाओ, होम आइसोलेशन में रहो, हम तो चाहते हैं कि वर्तमान सरकार को ये इंतजाम करना चाहिए, और अब तो बॉर्डर पर टेस्ट करने चाहिए, और ये नहीं होटल वालों के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए, बॉर्डर पे टेस्ट करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है, चाहे वो महिला मंडल हो, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी निर्णय लिया, चाहे वो महिला मंडल हो, युवक मंडल हो, कम्युनिटी सेंटर हो, जो बाहर से लोग आए हैं जिनकी ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उनके खाने की और ठहरने की व्यवस्था हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो गांधी हेल्पलाइन है उसके जरिए भी हम करने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार नाम की चीज़ें, मैं कहता हूँ वैक्सीन को लेकर वैक्सीन की शॉर्टेज है आज, मैं कहता हूँ शाहपुर के अंदर हो चाहे कांगड़ा के अंदर हो, वैक्सीन की शॉर्टेज है। और अगर यही बात उन्होंने पहले माननी होती, अब सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी लिखी, तब जाके 1 मई को प्रधानमंत्री एग्री हुए कि 18 से 45 वालों को जरूरत है। मैं आपको बताऊँ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 9-10 केसेज ऐसे हैं पिछले 3 दिनों में रिपोर्ट हुए हैं जो 18 और 35 के बीच है।
तो ये मामला इनको सीरियसली लेना चाहिए। और हम जनता से अपील करना चाहेंगे, हमारा भी सामाजिक दायित्व है, जहाँ सरकार का साइन में सामाजिक दायित्व है, ये महामारी है, इसमें राजनीति करने का भी कोई ये नहीं है कि हम 24 घंटे सरकार को, समाज को, सभी लोगों को, हमारे को इकट्ठा होकर इस कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहिए। जहाँ तक हमने पहले भी जब कोरोना फेज वन था, हमने अपनी आपदा प्रबंधन कमेटियाँ सभी पंचायतों में बनाई हैं, और पंचायतें रिपोर्ट भी कर रही हैं, कहीं मजदूर हैं, कहीं किसी की सैंपलिंग है। और मैंने हाथ जोड़ के ये भी प्रार्थना की है, जो बाहर से लोग आते हैं, हमारी भी ड्यूटी बन जाती है, पंचायत के पंच को, उप प्रधान को, प्रधान को, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, जो जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी करके रखे, हमारा फर्ज भी बन जाता है कि हम उनको इन्फॉर्म करें। लेकिन कुल मिलाकर जहाँ तक आपका ये प्रश्न है, सरकार जो है, चाहे वैक्सीन लगवाने में, चाहे वो इंतजाम करने में, टोटल मेरा का फेल हुई है। और उसके कारण ही आज मैं कहता हूँ हजारों, जितनी भी मैं कहता हूँ, आपने डेली टांडा के अंदर कितनी डेड बॉडी, बहुत से लोग जो हैं अपना जो है, मैं कहता हूँ हमने बहुत से लोग ऐसे खोए हैं, जो कि अगर सरकार का इंतजाम ठीक होता तो उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती।